रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करने के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कहीं न कहीं अपने ही घटक दल और जो सहयोगी हैं उनके द्वारा घेरे जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, MLC हैं नीरज कुमार, और आज वो पटना के जो राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर है वहाँ पूजा करने आए हैं, और यहाँ एक जोरदार हमला कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर उन्होंने कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस विचारधारा के साथ राष्ट्रीय जनता दल चलती है या फिर समाजवादी दल के जो तमाम घटक दल हैं वो चलते हैं, अगर उसमें लोहिया के कहे गए बातों को ध्यान में न रखा जाए, अंबेडकर जिसे पूजते हैं उनकी बातों को ध्यान में न रखा जाए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे जितना ज्ञान है मैं उसी ज्ञान के तहत भगवान राम को भी पूजता हूँ, लोहिया के उन विचारों के साथ आगे चलता हूँ जो समाजवाद के लिए पुरोधा है। बहरहाल नीरज कुमार आज जब मंदिर पहुँचे हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। हम पूजा कर रहे हैं, हम तो अपने जो प्रणेता हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करना हुआ। भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में भगवान राम का चित्र उकेरा रहता है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो हे राम बोलते हैं, यह तो हमारे संस्कार का प्रतीक है, और राम तो रहीम है, यह तो हमारा संस्कार है, यह नाथ संप्रदाय के किताब में उद्धृत है, तो हम तो उस परंपरा के वाहक हैं जहाँ रामायण का भी सम्मान होता है, कुरान शरीफ का भी सम्मान होता है, बाइबिल का भी सम्मान होता है। आपके शिक्षा मंदिर तो सवाल उठा रहे हैं। तो हमको उतना ज्ञान नहीं है भाई, हमको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति सम्मान हमारे मन के अंदर भाव है, हमको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान उनको है, हमको अल्प ज्ञान है। जगदानंद सिंह पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि पूरी पार्टी साथ ही साथ है। अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो तीन ही आदमी का नाम ही ले रहे हैं, अब उनसे ज्यादा जिनको ज्ञान हो हम नहीं जानते। क्या लगता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं? नहीं देखिए, भगवान राम रहे या रहीम रहे या ईसा मसीह रहे, सबके हम हैं, सबके संतान हम हैं, हम ब्रह्मा के संतान हैं, हम तो सृष्टि की पूजा करते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अगर सम्मान नहीं रहेगा, लोहिया के प्रति नहीं रहेगा, गांधी जी के प्रति नहीं रहेगा, तो अपनी विचारधारा पर चलने का स्वांग क्यों रचेंगे हम? उनके साथ करी है शिक्षा मंत्री के साथ, अब वो जाने, लेकिन मेरा विषय सीधा है। ऐसे लोग किसी काम के नहीं है नीरज, हम किसी के निजी राय पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हम तीन आदमी के बारे में बोल रहे हैं, उनकी विचारधारा को अगर मानते हैं तो राम को भी मानना होगा, रहीम को भी मानना होगा, अब वो जाने क्या देना चाहिए, अरे वो मेरा विषय ही नहीं है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।